तो यहाँ पर ये जिमनी का रियर प्रोफाइल आता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ग्लॉसी ग्लॉसी फिनिश का जो टायर का कवर है वो दिया गया है। नीचे जिमनी की बैजिंग दी गई है और यहाँ पर अगर देखें बम्पर जो है प्लास्टिक का है, प्लास्टिक के ऊपर यहाँ पर टेल लाइट जो है वो काफ़ी अच्छी लगी है। अब जो सेंसर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चार सेंसर दिए गए गाड़ी के अंदर, जो कि बहुत बड़ी चीज़ लगी मेरे को। डिजाइनिंग वाइज काफ़ी अच्छा काम किया गया, मतलब महिंद्रा थार का जो टफ कंपटीशन है वो अभी मार्केट में आ गया है। और इस गाड़ी को देख के एक्चुअली में आपको डाउट होने लग जाएगी महिंद्रा थार परचेस करें या जिमनी करें। टायर की प्रोफाइल आप देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़े स्टाइल के टायर हैं। साइज जो है वो देख नहीं पा रहा मैं, लेकिन यहाँ पर ब्रिजस्टोन के टायर दिए गए हैं। यहाँ पर हाईवे ट्रेन के टायर हैं यहाँ पर, और ये मतलब हाईवे ट्रेन के टायर हैं, तो ऑल वेदर टायर्स नहीं दिए गए यहाँ पर। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी 210 mm है। जो ब्रेक ओवर एंगल है वो 24 डिग्री का है, जो डिपार्चर एंगल है वो 50 डिग्री का, और जो अप्रोच एंगल है वो 35 डिग्री का दिया गया है। अब ये जो पैक आप देख रहे हैं टायर के ऊपर, ये सब एसेसरी पैक आने वाला है। और एक अच्छी बात भी देखने ये लगी है कि इसका जो हिंजेस होते हैं वहाँ पर आपको जो कवर है वो देखने को मिलता है। पीछे की तरफ देखेंगे तो विंडशील्ड के ऊपर यहाँ पर रियर डिफॉगर दिए गए हैं, और ऊपर वाशर के साथ यहाँ पर वाइपर भी दिया है, जो देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। ओवरऑल प्रोफाइल देखी जाए तो गाड़ी की जो प्रोफाइल है वो 4 meters से कम है टोटल लेंथ, और इसके साथ अगर देखें तो पीछे की सीटिंग है वो काफ़ी अच्छी लग रही देखने में, मतलब स्पेशियस तो लगी रही है, बस जो बूट स्पेस है वो थोड़ा सा कम लग रहा है। लेकिन ये अब जाके ये एक प्रैक्टिकल जिप्सी स्टाइल की गाड़ी हमारे पास बन के आती है। पीछे के जो सस्पेंशन आप देखें तो आगे की तरफ भी यहाँ पर थ्री पॉइंट एक्सल दिए गए हैं, तो सस्पेंशन के मामले में काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक्स दिए गए हैं, जो कि आगे की तरफ डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, तो सेफ्टी के मामले में काफ़ी अच्छा दिया है। ESP सिस्टम दिया गया है, और जो इसका इंटीरियर है वो भी देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन देखने में यहाँ लग रहा है कि हमें जो ऑटोमेटिक डिमिंग IRVM होते हैं वो यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, मैनुअल दिए गए हैं। इंटीरियर में हम ऊपर की तरफ जो लाइनिंग है वो बेज कलर की मिल रही है, और सीट्स हैं जो ब्लैक कलर की मिल रही है, और अभी तक मुझे फैब्रिक सीट्स देखने को ही मिल रही है। रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिए रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पर दिया गया है, और साइड में इंडिकेटर दिया गया है। अब जितना भी आप यहाँ पर ग्लॉसी चीज़ देख रहे हैं, जैसे आगे वाला ये वाला जो एरिया है, और इधर का पीछे का जो एरिया है, जो देखने में मेटल का प्लेट लग रहा है लेकिन वो मेटल का एक्चुअली में है नहीं, वो यहाँ पर प्लास्टिक का पार्ट दिया गया है। तो मतलब कहीं पर भी लगेगी तो गाड़ी टूट, जो प्लास्टिक पार्ट है वो हल्का फुल्का टूट सकता है, लेकिन उसको रिप्लेस किया जा सकता है। इसके ऊपर जो डिकैल है वो आप अलग से लगवाना चाहे लगवा सकते हैं। कीलेस एंट्री यहाँ पर दी गई, लेकिन साथ में की होल भी दिया गया, सो दैट कि अगर गाड़ी का फंक्शनिंग कहीं ख़राब हो जाए तो आप की से भी खोल सकते हैं। और आगे की तरफ भी यहाँ पर 3-point सस्पेंशन दिए गए हैं फॉर बेटर ऑफ रोडिंग। लैडर ऑन फ्रेम चेसी दी गई है, और इसका जो लैडर ऑन फ्रेम चेसी का फ़ायदा ये होता है कि बेटर ऑफ रोडिंग आप कर सकते हैं। फ्रंट प्रोफाइल में देखें तो यहाँ पर राउंड हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं, जो कि जिमनी का एक प्रॉपर स्टाइलिंग है। तो प्रॉपर यहाँ पर स्टाइलिंग दिया गया है, क्रोम का अच्छा खासा इस्तेमाल किया, मतलब क्रोम प्रॉपर क्रोम वैसा वाला नहीं है, यहाँ पर हल्का फुल्का बीच में क्रोम दिया गया, लेकिन नीचे भी यहाँ पर ग्रे कलर का क्रोम दिया गया है। और हेडलाइट के अंदर प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलते हैं, साथ में जो रिंग लाइट्स होती हैं, जो DRLs होते हैं वो दिए गए। इंडिकेटर यहाँ पर देखें, डिज़ाइन इंडिकेटर इसके अंदर, और ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर विंडशील्ड का डिज़ाइन काफ़ी मतलब ब्रॉड दिखाई दे रहा है। अब इसका जो स्टांस है आप साइड पर देखेंगे तो एकदम स्टैंडिंग स्टांस है, तो एरोडायनेमिक डिज़ाइन इसका नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन फिर भी ये ऑलमोस्ट G-Wagon से आप कंपेयर कर सकते हैं इंडिया के लिए। आगे जो बम्पर है वो प्लास्टिक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो नीचे की तरफ फॉक्स प्लेट दी गई है, और इंजन कवर यहाँ पर कोई भी इंजन कवर नहीं दिया गया। आगे आप उस डिफरेंशियल को देख सकते हैं, तो ये सॉलिड एक्सल मतलब बनाए गए हैं, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट नहीं बनाए गए हैं। तो ये इसकी प्रॉपर प्रोफाइल निकल के आ रही है, और यहाँ पर हमारे हर गैरेज चैनल से भी आए हुए हैं, तो देखने में काफ़ी बढ़िया लग रही है ये।